झारखंड में सिर्फ एक नारा है, हेमंत दोबारा है। क्या है? आपने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डालने का जो जुर्रत किया है उसको खामियाजा आपको 2024 के चुनाव में मिल जाएगा। जितने बड़े बड़े नेता हैं आप लेकर के आइए, झारखंड का हर एक सिपाही तैयार है, हमारी माताएं बहनें तैयार हैं, क्योंकि अगर चेहरों में खुशियां देने का काम किया है योजनाओं के तहत वो हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज मैया सम्मान योजना की बात होती है, झारखंड में फिजा चल रही है, वो फिजा है मैया की। वो किस लिए मैया की है कि हमारी माँ की ताकत को अगर सशक्त करने का काम करने किया है तो वो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। और ये झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि घर में रहने वाली एक गृहिणी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके पंखों को मजबूत करने का काम किया है, हमारी बेटियों को उनका जो सपना है कि आगे बढ़े सावित्री बाई फुले से जोड़ने का काम किया है, सर्वजन पेंशन हो, भूसाहारित ग्रामों योजनाओं की लड़ी लगी हुई है। अगर आप काम के दाम पर आएंगे तो मैं आप बोलेंगे, आप गर्व से बोलिएगा कि आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, क्योंकि वो आपका दादा है, वो आपका बेटा है। और अगर आपका दादा आपका बेटा नहीं सोचेगा तो झारखंड में आपके लिए और कौन सोचेगा, क्योंकि उनके पिताजी ने अपना बचपन, अपना जवानी, अपना पूरी उम्र लगा दी झारखंड को खुशहाल देखने के लिए। और आज ये जिम्मेदारी आप सबों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारे युवकों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारे बड़े बुजुर्गों की बनती है कि हेमंत जी को मजबूत करना है। और ये मजबूत करके हम अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये झारखंड हमारा है। और बाहरी वाले लोग जितने आ करके यहाँ पे अपने बातें रखने का काम कर रहे हैं उनको हम चेता देना चाहते हैं, क्रांतिकारियों का खून यहाँ हर एक बाशिंदे के अंदर में है, और वो क्रांतिकारी खून अब अपना जवाब मांग रहा है, अपना हिसाब मांग रहा है। और झारखंड में सिर्फ एक नारा हो रहा है, झारखंड में सिर्फ एक नारा है, हेमंत दोबारा है। क्या है? झारखंड का